ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको थ्योरी में तो आ ही चुका है, इसके अलावा इसके अंदर जितने भी अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो सारे प्री पीजी में आ चुके हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो 1960 में आया था। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में याद रखने वाली चीज़, पहली तो नेशनल और स्टेट लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसके वाइटल इंडिकेटर्स से रिलेटेड। उसके अलावा बैकअप के तौर पे इसमें हर 6 महीने में एक सर्वे किया जाता है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़, नेशनल और स्टेट लेवल के वाइटल इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, और उस जानकारी के बैकअप के लिए हर 6 महीने में इसमें एक और सर्वे किया जाता है। इससे मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब है कि ये ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम होता है। अब ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम है यानी कि दो चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ कि इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्यूमरेटर जो होता है वो घर घर जाके बर्थ और डेथ के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। ये फील्ड इन्वेस्टिगेशन तो चलता रहता है, इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे भी होता है, जो कि हर 6 महीने में सुपरवाइज़र जाता है और जानकारी प्रोवाइड करता है कि जो इन्यूमरेशन किया गया है वो सही था कि नहीं था, डुप्लीकेशन से बचने के लिए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम। पहली चीज़, इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, और दूसरी चीज़, इसमें इंडिपेंडेंट रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे भी होता है हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में होता है, इसीलिए इसको बाय एनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। उसके अलावा इसको ड्यूअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट और नेशनल लेवल पे आपको प्रोवाइड करता है जानकारी, और उसके अलावा मैचिंग भी की जा सकती है इसमें। अगर हम बात करें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, तो पूरी की पूरी कंट्री को इसने कवर कर चुका है। उसके अलावा एनुअली हमको स्टेट और नेशनल लेवल की जानकारी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। ये आपको प्रीपीजी में सवाल आ चुका है कि कौन सा ऐसा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो आपको नेशनल या स्टेट लेवल पे फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी की जानकारी एनुअली प्रोवाइड करता है। आपको प्रीपीजी में सवाल पूछा जा चुका है कि हर 6 महीने में कौन सा होता है। उसके अलावा आपसे प्रीपीजी में ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम इसको क्यों कहते हैं। उसके अलावा सबसे पहली सेकंड लाइन जो है कि प्रीपीजी में पूछा गया है कि नेशनल और स्टेट लेवल पे वाइटल इंडिकेटर्स कौन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद उसके एडवांटेज के बारे में बात करें, तो इसके मेन एडवांटेज में होता है कि ये आपको डुप्लीकेशन से बचाता है। डुप्लीकेशन क्यों, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि सीधी सी बात है कि पहला तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंट रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे हो रहा है इसलिए। उसके अलावा सेल्फ इवेल्युएटिंग टेक्निक भी ये होती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम इसमें, तो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जहाँ भी ये सर्वे किया जा रहा है वहाँ पे डेथ अगर हुई है, मौत हुई है, तो उनके कारणों को पता कर सकें, और उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, पोस्ट डेथ वर्बल ऑटोप्सी। इसके अलावा और भी इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि उस जगह का बर्थ रेट, डेथ रेट, IMR और ग्रोथ रेट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। अब जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहाँ, अगर रूरल एरियाज़ की जानकारी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है, और अगर अर्बन एरियाज़ का जानकारी है तो वो स्टेट लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके मेन कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के, तो ये हमको वहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा वाइटल इवेंट्स हमको बताता है, वाइटल इवेंट्स के अंदर क्या क्या जानकारी प्रोवाइड करता है जहाँ पे सर्वे होता है। पहली चीज़ तो वहाँ कितनी मौतें हुई या कितनी बर्थ हुई उसके बारे में। उसके बाद वहाँ के रहने वाले लोगों की पूरे हाउस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा वहाँ पर कितनी वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। उनके बारे में
उनके प्रेगनेंसी स्टेटस के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करता है, जो कि यूज़फुल होता है हमको उस जगह की फर्टिलिटी के बारे में पता लगाने के लिए। उसके अलावा मैचिंग भी कर सकते हैं हम इसमें, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक तो हम रेगुलर इन्यूमरेशन चल ही रहा है, उसके अलावा हमारा बैकअप के तौर पे हाफ ईयरली सर्वे चल रहा है, तो हम मैचिंग कर सकते हैं जानकारियों की। उसके अलावा फील्ड वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि भाई अगर कोई अनमैच डेटा मिलता है हमको या पार्शली मैच्ड इवेंट्स मिलता है, तो वो जो पहला वाला फील्ड पे जा रहा था वो जाके मैचिंग कर सकता है कि भाई जो हमने की जानकारी ली थी उसमें और जो हर 6 महीने में हुआ उसमें अंतर क्यों है। और सबसे आखिरी में इसके कंपोनेंट में आता है कि वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म आपको फिल करवाना है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के। उसके बाद बात करें कि 2018 में जो हुआ था उसके तहत हमको क्या क्या जानकारी निकल के आई थी, तो हमको क्रूड बर्थ रेट 20.4 निकल के आया था, क्रूड डेथ रेट 6.4 निकल के आया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 निकल के आया था और ग्रोथ रेट करीब 14% निकल के आया था। इसके अलावा प्रीपीजी में जो एक सवाल आया था दैट वॉज कि रेगुलर रिपोर्टिंग आप हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की करते हैं क्यों, क्यों करते हैं? जिससे कि हमको ट्रेंड पता चल सके बीमारियों का, उसके अलावा हम जितने भी हेल्थ पर्सनल काम कर रहे हैं वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड लोग उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकें, और सबसे आखिरी में एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में भी काम आता है। तो ये था हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रीपीजी में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, तो जितने भी अंडरलाइन पॉइंट्स हैं उस पर सवाल पूछा गया है, मेनली इस पर ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम पर ही इस पर सवाल पूछा गया है प्रीपीजी में। उसके बाद अगर हम वाइवा की बात करें तो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि इसको ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम क्यों कहते हैं। ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि वही फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं और हर 6 महीने में बैकअप के तौर पे भी लेते हैं। उसके अलावा थ्योरी में तो इस पे सवाल पूछे ही गए हैं। तो ये था आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। थैंक यू।